8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद कानपुर मुठभेड़ का आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे फरार है। उत्तर प्रदेश की पुलिस विकास दुबे की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। हालांकि इस बीच सोशल मीडिया पर कई लोगों की ओर से विकास दुबे का समर्थन भी किया गया है। अब ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने में जुट गई है। सोशल मीडिया में कई लोग विकास दुबे द्वारा वारदात को अंजाम देने के बाद उसे ही सही ठहरा रहे हैं। विकास दुबे के समर्थन में सोशल मीडिया पर कई लोग पोस्ट कर रहे हैं। हालांकि विकास दुबे के जरिए की गई पुलिस कर्मियों की हत्याओं को सोशल मीडिया पर सही ठहराने वालों पर केस दर्ज हो गया है। कानपुर के फजलगंज थाने में मामले को लेकर FIR दर्ज की गई है। फेसबुक पर विकास दुबे के पक्ष में और पुलिस कर्मियों की हत्या को सही ठहराने वालों पर केस दर्ज किया गया। आपको बता दें कि कानपुर मजिस्ट्रेटर विकास दुबे ने 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी। चौबेपुर थाने में विकास दुबे के खिलाफ 8 केस दर्ज हैं। सबसे अहम बात यह है कि विकास दुबे अपने घर में अकेला हिस्ट्री शीटर नहीं है, बल्कि उसके 3 भाई अतुल दुबे, दीपू दुबे और संजय दुबे भी इसी थाने में हिस्ट्री शीटर के तौर पर दर्ज हैं। थाने में लगे हिस्ट्री शीटर बोर्ड पर चारों भाइयों के नाम लिखे हुए हैं। कानपुर में इस मुठभेड़ के बाद विकास दुबे उत्तर प्रदेश पुलिस का मोस्ट वॉन्टेड बन गया है। विकास ने यह खूनी साजिश राहुल नाम के एक व्यक्ति की उस FIR के बाद रची, जो हाल ही में चौबेपुर थाने में दर्ज कराई गई थी।